मतलब कि तीन गुना टाइम मिल रहा है। और फिर एक वक्ता इस धरती के यशस्वी पूत हैं, तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वक्तव्य देते हैं तो समय लगता है, तो लेकिन सबसे क्षमा प्रार्थना के समय सहित तीन से पाँच मिनट में अपनी बात रखेंगे, फिर फ्री फ्लो डिस्कशन होगा आपस में, एक दूसरे पर आप तंज कर सकते हैं, बात पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं समाज अवलोकन की, यानी समाज को देखने की दृष्टि, लेकिन ये जो संविमर्श है एक तरफा नहीं है। समाज को देखने की व्यक्ति की दृष्टि और व्यक्ति को देखने की समाज की दृष्टि, ये दो तरफा है। और यहीं से भारतीय चिंतन परंपरा थोड़ी सी अलग है, वह व्यस्ति और समष्टि, यानी व्यक्ति और समाज में कोई मूल अंतर्द्वंद नहीं देखती, दोनों में पारस्परिकता देखती। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल की जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, उसको समाज लेना चाहता है, यानी जो जिसको बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म और सोशलिज्म के बीच का जो एक द्वंद है वो भारतीय दृष्टि में दिखता नहीं। तो एक मूल तत्व जो भारतीय दृष्टि का है, समाज दृष्टि का, समाज को देखने का, वो ये है। दूसरा ये है कि यह सर्वसमावेशी है, और जब सर्वसमावेशी की हम बात करते हैं तो क्या है उस सर्वसमावेशी होने में, मुझे घटना याद आती है, सबकी होगी, बचपन में छोटे थे तो शाम के समय तुलसी का एक पत्ता तोड़ लिया तो पिताजी ने चपत लगाई और कहा रात के समय पेड़ सोए होते हैं। तो पेड़ भी हमारी समष्टि का हिस्सा है, वह भी चेतन है, उसमें भी जान है। हम पेड़ को, पौधों को जब जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इसका चिंतन करते हैं तो उन्हें अपने से पृथक नहीं देखते, उनको एक रिसोर्सेस टू बी एक्सप्लॉइटेड ऐसा नहीं सोचते, बल्कि वे हमारे साझा रहन सहन का हिस्सा है। इसलिए विदेशी सोच नहीं पाते। आज सुबह जब बात कर रहे थे कि और मार्च के बारे में बता रहे थे शंकर शरण जी कि यहाँ तो गाय और बंदर की पूजा होती है, भाई हम गाय और बंदर को अलग समझते ही नहीं, अपना हिस्सा समझते हैं, तो अपनी पूजा करते हैं, अपने लोगों की पूजा करते हैं, लेकिन जो बाहर से देखने वाला है इस बात को समझ नहीं पाता। तीसरी बात समाज, हमारे समाज दृष्टि की, कि हमारे अतिथि देवो भव होता है, बड़ा उसका हम सम्मान करते हैं। इसका उदाहरण अभी देखा, मंच पर कौशल जी थी, उनका स्वागत करने के लिए वहां से उठ के आवाजें आई, तो वे बैठी नहीं, नहीं उठ के यहां तक आई, बोली आप तो मेरे से बड़ी हैं, मैं आपका सम्मान करना चाहिए, यह भारतीय दृष्टि है, यह भारतीय आचरण है। और यह सिखाना नहीं पड़ता है, कौशल जी को किसी ने सिखाया नहीं, इनके परिवार में, इनके संस्थान में यह सहज स्वाभाविक है, हमारे मन में इसे स्वाभाविक है। एक और बात, हमारी व्यवस्था सजा सदैव समाजोन्मुख रही है, समाज उसमें मूल रहा है। उदाहरण देता हूं, मैं ब्रज का रहने वाला हूं तो सूरदास की एक पंक्ति है, फतेहपुर सीकरी में अकबर की राजधानी थी, सूरदास को बुलाया गया तो उन्होंने कहा संतन को कहा सीकरी सपा, संत को सीकरी से क्या लेना है, क्योंकि पावर का जो तंत्र है वह हमारे समाज में विद्यमान रहता है, और यही डेमोक्रेटिक नॉर्म हमारी ताकत है। अगर इस समाज दृष्टि को देखें तो पिछले कई सौ साल में इसको लगातार तोड़ने का प्रयास हुआ है, लेकिन चूंकि यह समाजोन्मुखी थी, यह राज्योन्मुखी नहीं थी, राज्य की सत्ता में बहुत लोग बैठे थे, उन्होंने पाठ्यक्रम बदल दिया होगा, पुस्तकें बदल दी होंगी, नई किताबें लिख दी होंगी, टेलीविजन अखबार को कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन समाज अपने तरीके से जिंदा रहा,
जीवित रहा, अपने विचार को, अपने वैल्यू सिस्टम को, अपनी व्यवस्था को उसने कायम रखा। यही कारण है कि यह हिंदुत्व की भावना, भारतीयत्व की भावना, अगर आपको हिंदुत्व के से प्रॉब्लम होती है तो भारतीय कहें, वह आज भी विद्यमान है। हमारे गुरुओं ने, हमारे संत कवियों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे मनीषियों ने राज्य व्यवस्था पर आश्रित न रहकर इसको जिंदा रखा। और जब हम बात करते हैं समाजावलोकन की, तो उसका हेतु क्या है? क्या सिर्फ पीछे देखना हमारे यहां कितना अच्छा था, यह उद्देश्य नहीं है। हम पीछे का चश्मा लगा कर नहीं बैठे हुए, हम आगे चलाने वाली कार है जिसमें पीछे थोड़ा देखा जाता है कभी कभी, लेकिन आज के नूतन संदर्भों में, आज की परिस्थितियों में, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के बीच में हम इन नित्य चिरंतन सनातन मूल्यों को कैसे समीचीन बना सकते हैं, अपने समाज में फिर दोबारा से अनुप्राणित कर सकते हैं, यह चैलेंज आज के सुधी जनों का है। इतनी बात पर ही मैं अपनी प्रस्तावना को समाप्त करता हूं और सबसे पहले आग्रह करता हूं अर्जुन मुंडा जी से कि जो समय सीमा है उसमें अपनी बात कहें और फिर एक एक बार सब अपनी बात कह लेंगे, फिर हम लोग उसके बीच में बोलना होगा तो बोलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय इस सत्र का संचालन करता उमेश उपाध्याय जी, आपने मुझे अवसर दिया हमारे इस परिचर्चा में उपस्थित सभी शिक्षाविद और आप सभी देश भर से आए हुए इस आयोजन में सभी बुद्धिजीवीगण, सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले कुछ कहूँ, आप सबका इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। समय के अभाव में मैं पूरे झारखंड के जो विशेषताएं हैं और जो मिट्टी की सुगंध है उसकी चर्चा किए बगैर आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सब आए, आप सब पधारे, ये हमारे लिए सुखद है, पूरे झारखंड वासी के लिए सुखद है और आपके आने से हम गौरवान्वित हैं। समाज अवलोकन विषय बहुत बड़ा विषय है, एक तरीके से हम ये कहें कि भारतीय समाज, सनातन समाज, इसमें सारी चीजें समाहित हैं, पर इसके साथ साथ ही हम जब समय काल और परिस्थितियों को देखते हैं तो समाज थोड़ा सा बदलता हुआ भी दिखता है और स्वाभाविक रूप से थोड़ा बदलता भी है, लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था जो इनफॉर्मल तरीके से हमें हमेशा मजबूती देती है, वो जो शक्ति देती है, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के बहुत कम देशों में हो सकता है। इनफॉर्मल तरीके से हम अनुशासित होते हैं जो परिवार से शुरू होता है। परिवार का जो संस्कार है वहां से शुरू होता है। अभी संस्कार में कमी आई, बढ़ी है, यह विवेचना का विषय है, समालोचना का विषय है
और मैं जब यहाँ इस परिसर में आ रहा था तो कुछ चर्चा इस तरह से चल गई, लेकिन परिभाषित करते समय, समझते समय हमें इस तथ्यों के साथ जरूर विचार करना चाहिए कि हमारा वंशानुगत समाज क्या है, हमारा जातीय समाज क्या है, हमारी शासकीय समाज क्या है जिसको हम फॉर्मल समाज के रूप में देखते हैं, और इसके साथ साथ ही बहुत सारे भागों में समाज को हम देखते हैं। यदि आप खास करके जनजातीय समाज, आदिवासी समाज या वनवासी समाज को देखें, तो उसमें दो दृश्य हमारे सामने दिखती है। एक सामाजिक दृष्टि से वो काफी मजबूत है क्योंकि उसकी ताकत बड़ी है, और दूसरी आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। तो इस देश में आज के दिन में ये बड़ा विषय है कि एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल जो हमारी व्यवस्था है उसमें ताकत हम किसको ज्यादा महत्व के साथ बढ़ा सके, जिसमें हमें यह बोध हो कि हमारा एक भारतीय समाज है, हमारा एक सनातन समाज है जो हमें औरों से बिल्कुल अलग करता है। जब वंशानुगत दृष्टि से कबीला भी एक समाज, कबीलाई जीवन, और इसी तरीके से समाज परिवर्तन के साथ चलता रहा है और उसमें बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। पर मैं दो फर्क इसमें जो महसूस करता हूं, जैसे आदिवासी समाज के बारे में मैं कहूंगा कि सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था उनके एक साथ चलती है, बाकी क्षेत्रों में जैसे आज जो द्वंद्व एक विषय उभरता है कि नागरीय समाज और ग्रामीण समाज, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ बढ़ती हुई समाज और वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड समाज, तो ये बड़ा विषय हमारे सामने आ जाता है कि जो एग्रेरियन समाज है वो इनफॉर्मल लोग को ज्यादा फॉलो करता है, इथिक्स को ज्यादा फॉलो करता है, इंडस्ट्रियल और जो फॉर्मल है उसमें हम उस बात को इस भरोसे छोड़ देते हैं कि कानून ही सब कुछ कर रहा है। कानून के माध्यम से जो शासित हो रहा है वही सब कुछ करेगा, और हमारे जो अपनी परंपरा और संस्कार है, समय की सीमा है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, पर इसको समाप्त करते हैं। तो इनफॉर्मल तरीके से हमें घर में संस्कार में डू एंड डोंट्स दोनों बताए जाते हैं कि हमें किस चीज को करना किस चीज को नहीं करना, पर वही किसी तरीके से हमारे पक्ष में चीजें आ जाए इसके लिए हम उसका बहुत सारे रास्ते ढूंढने में, और उसमें एथिक्स को हम छोड़ देते हैं। तो यह जो एथिक्स और एथनिक है और एथनिक के साथ में इकोनॉमी है, ये एक तरीके से सारे चीजों को जोड़ के देखता है, पर्यावरण है, जल है, जंगल है, जमीन है, परिवार है, समाज गांव है, ये सारे चीजों को सोच कर देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया की चुनौतियों को देखते हुए हम अपने संस्कारों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ सके, ये विषय
आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विचार करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को बुला लूंगा। धन्यवाद। और समय और भी रहेगा क्योंकि समय अभी तो शुरुआत है, पूरा एक घंटा हमारे पास पड़ा हुआ है। आपने जो बात कही कि एथिक्स और एथनिक इसको कैसे मिलाए, इस पर चर्चा करते रहेंगे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कौशल पवार को, दो लाइनें उनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। डॉक्टर कौशल पवार का आपको एक परिचय मिला, लेकिन एक परिचय और भी है कि वे सातवीं कक्षा से जातिगत आक्षेपों के बावजूद आगे बढ़कर लड़ती रहीं, जूझती रहीं और आज एक संस्कृत की विदुषी हैं। हरियाणा के छोटे गांव से उठकर जब यूएनओ में भारत की कोई विदुषी बात करती है संस्कृत पर, तो उनको सलाम करने को मन करता है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ज्यादा हो गया जी, सबसे पहले बिरसा मुंडा की धरती को मेरा अभुल जवाहर, जय भीम। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वतगण और विदुषी, जैसे कि अभी हमने भूमिका में अर्जुन मुंडा जी की बातचीत से सुना, मैं समाज को देखने का नजरिया और समाज हमें किस तरह से देखता है, तीन तरह से अपनी बात रखना चाहूंगी। तीन तरह के दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। एक शास्त्रीय परंपरा, जिसमें हमें नरेटिव दिखाई देता है, संवाद के माध्यम से हमें समाज को देखने का नजरिया दिखाई देता है। दूसरे पर मैं बात करना चाहूंगी जो व्यवहारिक नजरिया है, लोग जो हमारा पुरखा साहित्य में जो पाया जाता है, खासकर आदिवासी जनजाति दलित जो लोक परंपरा है, जो महिलाओं की लोक परंपरा है, एक अपनी व्यवहारिकता का एक अपना नजरिया है। तीसरे नजरिए पर मैं बात करना चाहूंगी वैधानिक, जो संविधान हमें देता है। मैं बिल्कुल तीन मिनट में समय सीमा के अध्यक्ष जी की अनुमति से ये बात करना चाहती हूँ कि हम बात अगर करें कि शास्त्रीय नजरिया जो है हमारा, हमारे ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हूँ। लेकिन क्या वजह है कि आज अगर सभी सुखी हैं तो हम समाज अवलोकन कर रहे हैं, समाज की चिंता पर आधारित है। अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि कन्याओं को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आज हम जो आधुनिक दौर में है फिर भी हम कन्या शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रहे हैं। तीसरा पक्ष मैं देना चाहती हूँ कि यथेमाम वाचन कल्याणी माँ वधानी जनेभ्यः, ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद जो व्यवहारिकता आज हमें शास्त्रों के बाद दिखाई देती है, जो लोक परंपराओं में दिखाई देता है, कहीं ना कहीं ये तबका जो मर्जिनलाइज्ड सोसाइटी है हमारी, जो एक ऐसा तबका जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रहा। दो तरह के कालखंड में मैं बहुत संक्षेप में बात करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं कि ज्ञान की हमारी तीन तरह की परंपराएं रही, एक धर्म की परंपरा, एक दर्शन की परंपरा और एक हमारी लोक की परंपरा। जो लोक की परंपरा है इसको, इसमें तीनों परंपराएं, साहित्य की परंपरा भी आप इसमें कह सकते हैं, और ये तीनों मैंने जो अभी पहले कहा कि जो नजरिया है समाज का वो शास्त्रीय व्यवहारिक और वैधानिक, जिसपे आप संविधान को भी ले सकते हैं, और तीन तरह के जो ज्ञान की परंपरा मैंने बताई, जो धर्म विद्या, साहित्य विद्या और लोक विद्या, दर्शन विद्या भी आप कह सकते हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं मिलती हैं। हमारे सामने जो वाद विवाद और संवाद, जो तीनों का एक जो एक सामंजस्य जो भारतीय संस्कृति में दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं फिर छूटता चला गया है। हमारे वेद और शास्त्रीय परंपरा हमें कुछ और ज्ञान देती है, लेकिन जो व्यवहार में घटित होता है वो कुछ और हमें दिखाई देता है। मैं बात करना चाहूँगी मुंडा, जो मुंडारी जो जनजाति है उसमें जिस तरीके से मैनेजमेंट है, एक तरह से कृषि का, आपकी बात का मैं उधार लेना चाहूँगी, अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करता है एक आदिवासी जनजाति, चूहों से भी वो ज्ञान लेता है, चूहों को भी वो ट्रेनिंग करने का अधिकार रखता है। जब भूखे मरते हैं जनजाति लोग, वो चूहों को छोड़ देते हैं कृषि क्षेत्र में या ऐसे घरों में जहाँ से वो अनाज नहीं ले सकते, चूहे की टांग पे एक धागा बांधते हैं और छोड़ देते हैं, वो चूहे इकट्ठा करते रहते हैं और एक अपने बिल में इकट्ठा कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे मैं हमारी अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था, लोक व्यवहारिक व्यवस्था हो, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा इन चीज़ों को समाहित करती है। बावजूद इसके, इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पेंच है जिस पर एक समाज को देखने की, और समाज कैसे, मनुष्य को कैसे समाज फिर देखता है, या फिर वो जन गण कैसे समाज को देख रहे हैं और जन फिर गण को कैसे देखता है। हम बोध और शोध की जब बात करते हैं तो हमारा शोध तो है,
हमारे शास्त्रीय परंपरा में पूरी की पूरी परंपरा है, वो नास्तिक दर्शन पर भी आधारित रही। मैंने दर्शन विद्या का आपके सामने एग्जाम्पल रखा, वो जो हमारी नास्तिक विद्या भी रही और आस्तिक भी रही। नास्तिक का भी हमने उतना ही आदर किया परंपरा में, चाहे वो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में क्यों ना हो, लोकायत और चारवाक की पूरी की पूरी परंपरा हमारी एक रही। हमने भौतिकवाद को भी उतना ही अपनाया और बाद में आज टेक्नोलॉजी को भी हम उतना ही अपना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस शास्त्रीय परंपरा में एक ऐसे नरेटिव की जरूरत है, एक ऐसे आख्यान की जरूरत है, तो जो जो बलते हुए जो हमारा आधुनिक जो परिदृश्य है, जो समाज का जो आज का चरित्र है, समाज अवलोकन है, उसके आधार पर उसको एक तरह से अनुकूलित करने की आवश्यकता है। और इसमें मैं बिल्कुल उदाहरण देना चाहूँगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान का, जिन्होंने उससे पहले भी जितने भी हमारे सिद्धों नाथों की परंपरा रही, पूरी की पूरी एक ज्ञान परंपरा, जिन्होंने समाज के एक राष्ट्र के निर्माण में, समाज को एक सजग बनाने के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जो अस्मिता का सवाल था, जो पूरे के पूरे एक भारतीय समाज में जो अस्मिता का सवाल, खासकर एक तबके के लिए जो कहीं ना कहीं से छूटा हुआ था, उस अस्मिता के सवाल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने लेखों के माध्यम से, शास्त्रीय परंपरा के ही माध्यम से, वो चाहे वो बृहस्पत भारत के रूप में हो, चाहे प्रबुद्ध भारत के रूप में हो, चाहे मूक नायक के माध्यम से हो, जितना भी लेखन जो शास्त्रीय परंपरा का रहा, मुझे लगता है कि मैं भी कंप्लीट करूँ, जितना भी लेखन हमारा रहा, उसमें एक एक आख्यान के माध्यम से एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व जो लोक व्यवहार को जोड़ता था, उसमें उन्होंने रखा। मेरा टाइम समाप्त हो गया, उसके बाद और हम लंबी चर्चा बारे में। धन्यवाद डॉक्टर पवार। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को जो लखनऊ से आए हैं, प्रोफेसर राकेश मिश्रा। मंच पर विराजमान सभी विद्वत जन और सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव और प्रतिनिधिगण, मुझे इस प्रारंभिक वक्तव्य में दो तीन बातें कहनी। पहली बात तो यह है कि भारतीय समाज का जो भी चित्र है वो बड़ा मिसलेनियस है, कंफ्यूजिंग। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी, उस चित्र को कंफ्यूज करने में एक तो योगदान दो संस्कृतियों का, धर्मों का रहा जो कि भारत में आए, जिन्होंने कि भारत की चिति को डिस्टर्ब किया, क्षत विक्षत भी किया, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, आप लोग उससे परिचित हैं। अब जो विचारधाराएं 20वीं शताब्दी में आई, खासतौर से जो उदारवादी जो लिबरल व्यू पॉइंट आया, जिस लिबरल व्यू पॉइंट ने व्यक्ति को साध्य माना, उसकी स्वतंत्रता को साध्य माना, जिस लिबरल व्यू पॉइंट ने जीवन का एक उपयोगितावादी, एक भौतिकवादी दृष्टिकोण रखा, जिसने सभी समष्टियों को, चाहे वे समष्टि धर्म के रूप में हो, चाहे वे समष्टि राष्ट्र के रूप में हो, चाहे वो समष्टि समाज के रूप में हो, उसको कृत्रिम माना, गॉड माना, तो ये जो व्यक्ति की संप्रभुता पर आधारित एक, और जो कि अधिकार केंद्रित, राइट सेंट्रिक, इंटरेस्ट सेंट्रिक, ये जो एक दृष्टिकोण आया भारत में और जो कि बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त है हमारे समाज में, जो इस समय जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो भी उसी के सहारे चल रही है, जिसको लिबरल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, तो ये जो एक लिबरल ऑर्डर, और जिसका कल भी उल्लेख आया, जिसका सबसे बड़ा दृष्टांत स्वयं हमारा संविधान है, जो कि एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमको गवर्न करता है, केवल पॉलिटिकली ही नहीं, सोशली भी, मॉरली भी, तो एक तो भारत ये बना, एक तो भारत का ये चित्र है। दूसरा भारत का चित्र वो है जो कि मार्क्सवाद के या साम्यवाद के या समाजवाद के प्रभाव में बना, जिसमें वर्ग की बात की गई, क्लास की एक नई चीज आई भारतीय समाज में, संघर्ष का प्रश्न आया, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एसेंस है सोसाइटी का, वो ड्राइविंग फोर्स है किसी सोसाइटी की, संघर्ष ये ड्राइविंग फोर्स है सोसाइटी की। उन्होंने कहा कि राज्य को सारी शक्तियां दे दीजिए जिससे कि संपत्ति और संसाधनों का वितरण वो करे, तो एक सर्वाधिकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य, एक टोटलिटेरियन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, जैसा कि रूस में रहा, जैसा कि चीन में रहा, तो उस प्रकार का दृष्टिकोण भारत में आया। तो
और उनका भी दृष्टिकोण जीवन के प्रति भौतिकवादी और उपयोगितावादी है, क्योंकि समाजवाद और उदारवाद में कोई मूल अंतर नहीं है, जिसको कि वो कहते हैं कि वहाँ भी वन डायमेंशनल मैन की समस्या है, यहाँ भी वन डायमेंशनल मैन की समस्या है। मनुष्य को उदारवाद भी एक आयामी रूप से देखता है और मनुष्य को समाजवाद या साम्यवाद भी एक आयामी रूप से देखता है। दोनों जिस समाज की परिकल्पना करते हैं वो एक्यूजेटिव सोसाइटी है, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कैसे क्या मिलेगा, उसके भोग जहाँ पर लक्ष्य है जीवन का। तो इन दोनों दृष्टियों का भारत के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है, और जो हमारे भारतीय समाज के चित्र को जो कन्फ्यूजिंग बनाया है, जो मिसलेनियस बनाया है, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा फिर हमारी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति। अब वो अपनी परंपरा संस्कृति के मूल सिद्धांत क्या है, हम लोग सभी बड़ी प्रकार से जानते हैं कि वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड व्यू है, जहाँ परमात्म तत्व की सर्वोपरिता है और ऐसे भौतिक कल्याण की परिकल्पना है जिसमें कि हमारा परमात्म तत्व बाधित ना हो, जिसको ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के जीवन के दो लक्ष्य हैं, निःश्रेयस और अभ्युदय। लेकिन अभ्युदय गौड़ है, निःश्रेयस प्रधान। तो ये धर्म केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, मोक्ष केंद्रित जीवन की दृष्टि है, जिसमें भोग इसके नियंत्रण में है। भोग स्वतंत्र नहीं है, भोग का निषेध भी नहीं है, लेकिन भोग इसके नियंत्रण में है। ऐसा भोग जो कि धर्म की मर्यादा में है, ऐसा भोग जो कि मेरे मोक्ष को बाधित नहीं करता, तो एक ये भारतीय दृष्टि है। लेकिन अब इस भारतीय दृष्टि के अंदर से भी एक दूसरी दृष्टि पैदा हुई, जिसको कि हम सुधारवादी दृष्टि कहते हैं, कि वो अब इस सुधार की कसौटी क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और 19वीं शताब्दी में लोकमान्य तिलक ने भी ये प्रश्न उठाया था, और आज भी जो कुछ भारतीय परंपरा के पोषक हैं वो भी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि सुधार तो आप करना चाहते हैं और सुधार होना भी चाहिए, समाज में कभी कभी उसकी आवश्यकता भी होती है, लेकिन उस सुधार की कसौटी क्या होगी, क्या उसकी कसौटी ये लिबरल वर्ल्ड भी होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, तो आप भारतीय समाज को इस दृष्टि से सुधारेंगे, ये जो लिबरल ज्यूरिसप्रूडेंस है क्या ये भारतीय समाज का आधार बनेगी, जिसको कि तिलक ने कहा, वो चीज आज फिर याद रखने की है, वी कैनॉट अलाउ द एंग्लिसाइजेशन ऑफ अवर इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियल्स इन द नेम ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। ये विचार याद रखने की जरूरत है कि सुधारवाद के नाम पर हमें छद्म रूप से उदारवादी या मार्क्सवादी वर्ल्ड व्यू को वापस नहीं लाना। सुधार आवश्यक है, लेकिन जैसा कि भक्ति काल में हुआ वो सुधार, जो पुनर्जागरण काल में 19वीं शताब्दी में हुआ वो तो डेविएशन था, वो रिफॉर्म नहीं था। तो इन सब चीजों को अगर आप देखिए तो भारतीय समाज का जो चित्र उभरता है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि आखिरकार हम हैं कहाँ, जिसको पृथ्वी शरण गुप्त ने एक कविता में बड़े प्रभावशाली तरीके से कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए, आओ विचारे मिल सभी, कि क्या थे और क्या हो गए, कभी हमने इस पर विचार किया। तो ये जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट हमें किधर ले जा रहा है, उसकी दिशा क्या है, ये विचारणीय प्रश्न है। धन्यवाद जी। तो अब तीनों वक्ताओं ने अपनी बात रखी और बीच में इंटरजेक्शंस के लिए, बातचीत के लिए डॉक्टर कौशल भगवान कुछ कहें, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ और वो अर्जुन मुंडा जी से। डॉक्टर कौशल पवार ने कहा कि एक नए आख्यान की जरूरत, और उन्होंने ये भी कहा कि तीन व्यवस्थाएं हैं, एक पारिवारिक है, एक संवैधानिक और वैधानिक है। ये आख्यान, और आपने भी उसी बात को कहा जनजातीय समाज के लिए, उन्होंने अस्मिता का सवाल उठाया और अस्मिता का सवाल बड़ा सवाल है, ये आख्यान कैसे आएगा, कौन लिखेगा, क्या ये आख्यान वैधानिक होगा,
सामाजिक होगा, राजनीतिक होगा। आपको राजनीति का भी अनुभव है, आपको विधान का भी अनुभव है, आपको समाज का भी अनुभव है। और उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, अगर आपको जिसमें जोड़ना चाहें। मुझे मुझे राकेश मिश्रा जी वाले जी एक बार देखिए, ये तो यदि आप देखें जिसको मैंने बल दिया है वो एक हमारे जीवन पद्धति में है, पर वो जिसको मैंने इनफॉर्मल कहा है वो जीवन पद्धति का आधार है, वो हमारी ताकत और पूंजी है। अब इसको डिस्ट्रॉय किन तत्वों के माध्यम से हो रहा है, उसको हम कितना समझ पा रहे हैं या उससे हम कितना सतर्क है, ये समझने और जानने की ज़रूरत है। और ये हम समझते हैं कि वैसे चीज़ों को बढ़ावा दे करके ही हो सकता है जो हमारे यहाँ संस्कारों में है। उसको अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमें, यानी कि सबको बोध होना चाहिए इस बात का। जैसे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये कहा कि यदि आप देखें कि आप ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो जनजातीय समाज है, वो हैव नॉट्स में जा रहे हैं, उसके पास नहीं है। लेकिन उसके पास जो चीज़ है वो क्या है? वह है उसके पास जो, यदि आप सूचकांक में देखें तो आज के सुविधा के अनुसार उसके पास नहीं, पर उसके खुशियों का जो मापदंड है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो औरों से बहुत ज्यादा है, औरों से बहुत ज्यादा। इसके बावजूद उसके पास कुछ नहीं है। ये जो एक ताकत है इसको समझते हुए यदि हम देखें तो भारत की असली शक्ति उभर सकती है। इसको हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका कई दबाव के कारण हो सकते हैं, कई तरह के, क्योंकि अर्थव्यवस्था के बदलते हुए परिवेश में हम हो सकता है उतना नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय। चिंता का विषय ये है कि जो हम कर सकते हैं। अब जैसे आज हम एक कार्यक्रम में गए, अभी कुछ दिन पहले हमारा एक फेस्टिवल पार हुआ, कर्मा का उत्सव, तो यूनिवर्सिटी में हुआ, यूनिवर्सिटी में हम गए तो यूनिवर्सिटी में जो प्रकृति पूजा हम मानते हैं, कर्मा का फेस्टिवल प्रकृति पूजा है, तो हमने वहाँ पर विद्वानों के बीच में जब चर्चा प्रारंभ हुई थोड़ी सी वक्तव्य, तो यूनिवर्सिटी के एक वक्ता ने कहा कि आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है, जंगल को कैसे बचाना है। तो मैंने एक बात वहाँ पर यह कहा कि जंगल ने हमको कितना बचाया है, और जंगल के माध्यम से आज विद्वान बहुत ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जंगल में रहने वाला ही जंगल को समझ सकता है। ये जो विशेषता है, और पर्यावरण हमको बचाया, पर्यावरण को हमने कैसे बचाया ये आज हम सोच रहे हैं, लेकिन पर्यावरण तो स्वतः स्फूर्त हमको बचाया, हमारा जीवन दान है। पेड़ पौधे नहीं रहते तो हम ऑक्सीजन में रहते, इस पिंड में रहते। तो ये जो पर्यावरण का स्वरूप है, इसका स्वरूप उस जीवन पद्धति में है, तो इसलिए उसमें खुशियां ज्यादा है, सुविधाएं कम है। और आज के दिन में जो थ्योरी है, थ्योरी के आधार पर हम क्या देखते हैं, एक पूंजीवाद की व्यवस्था है तो एक साम्यवाद की व्यवस्था है, ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक वॉर है, तो ये सोचता हैव नॉट्स का ये विचारधारा होना चाहिए, और जिसके पास है उसका ये विचारधारा है। हमारे लिए भारतीय समाज की चिंतन बिल्कुल स्पष्ट ये होना चाहिए कि हम हैव नॉट्स भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हमारी व्यवस्था परंपरा है, हमें खुशियों को या एक संयमित जीवन को जीने का आधार अपनी संस्कृति, क्योंकि समाज संस्कृति, क्योंकि वो जैसे आज हम पूरे थोड़ा सा समझ कर पूरे देश को सभी क्षेत्रों में अपने अपने स्थान पर फोक डांसेस है, कला है, कलाकृति है, नृत्य गीत है, आनंद मनाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें बांध के रखा है, वो क्या है, कहीं भी कोई अगर
संगीत सीखना चाहता है तो वो सरगम, सरगम पूरे देश को जोड़ता है एक सूता की तरह, वो हमारा संस्कृति है, वो हमारा कल्चर है, हमारा माध्यम है, जीवन पद्धति है। तो ये जो हमें जोड़ करके रखा है उस सूता को हमें समझना चाहिए कहाँ है। तो आपने जो कहा ये सरगम का सूत्र जो है समाज जीवन में है और है मोड्स के बीच में कैसे आएगा? कौशल बाबा जी आप कुछ कह रहे थे, कुछ पूछना चाहते थे आप। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी हमारे बीच में, मेरी यूनिवर्सिटी के ही हैं, अगर वो कॉलेज में जाके ना बताएं तो मैं एकदम सीधे रूप से एक छोटा सा साक्षात उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ मैं मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ, एक सफाई कर्मचारी एक महिला है, गवर्नमेंट एम्प्लाइज है, उसने जब नौकरी ज्वाइन की थी तो वो 8वीं क्लास पास थी, लेकिन नौकरी में रहते हुए झाड़ू देने का काम करती है स्कूल में, नौकरी में रहते हुए उसने 10वीं की परीक्षा पास की। एक बार क्या हुआ सर, आपकी बात के बीच में मैं बात कर रही हूँ, हालांकि मैं विषय पे बता रही हूँ लेकिन इशारा आपकी तरफ ही है जब आपने मार्क्स की बात की थी। तो हमारे यहाँ जो एसोसिएशन थी वो एक तरह से लगभग प्रगतिवादी, एक तरह से कह सकते हैं मार्क्सवादी विचारधारा से लैस कह सकते हैं। एक बार हम लोग ऐसे मैं कॉलेज में बैठी हुई थी स्टाफ रूम में, उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आना प्रिंसिपल से बात करने जाना। मुझे लगा पता नहीं क्या विषय होगा, मैं उन्होंने विषय नहीं बताया मुझे कि क्या कौन से विषय पे वो बात करने जाए। मुझे वो साथ में लेके गए प्रिंसिपल रूम में, हम लोग लगभग 11 टीचर वहाँ बैठे हुए थे। तो प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल के सामने सीधा सो कार्ड हमारे टीचर के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी छोड़िए, उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं भी वहीं साथ में चुपचाप सुन रही थी। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बताइए क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि एक हमारे यहाँ एक काम करती है वर्कर, मैं उसका नाम भी नहीं बताऊँगी, उसको हम झाड़ू की जगह चाय बनाने का काम दे देते हैं स्टाफ रूम में, और जिसका उसने नाम लिया, मुझे बहुत अच्छी तरह पता था किसका नाम लेता ले आए उन्होंने। मैं एकदम मेरी आंखें फटी की फटी रही कि इसमें मेरी क्या आवश्यकता थी बीच में बुलाने की, क्या क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आती हूँ इसलिए। खैर मैं चुपचाप रही, वो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या महसूस किया होगा जब उन्होंने विषय शुरू किया। प्रिंसिपल ने कहा हाँ हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। मुझे भी लगा कि चलिए कम से कम किसी एक को तो थोड़ा सा झाड़ू से ऊपर उठ के स्टाफ रूम तक पहुँचने का एक समानता का एक अधिकार मिल रहा है, किसी काम को बराबरी में करने का। हम लोग खुशी खुशी, खासकर मैं बहुत खुशी खुशी हम आए। प्रिंसिपल जैसे ही हम लोग चलने लगे उन्होंने उस वर्कर को भी बुला लिया, और एकदम उस वर्कर की भी आंखें मेरी तरफ मिली और मेरी भी उसकी आंखें उसकी तरफ मिली। हालांकि मैं अपने आप को ये नहीं कहना चाहती यहाँ कि मुझे जातिवादी होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हमारे दुख हमारे दर्द, हमारा जो एक दर्द का रिश्ता होता है वो जाति से कहीं ऊपर होता है। उस रिश्ते के माध्यम से उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसको भी अच्छा लगा सुनकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम दोनों की आंखें नम भी हुई एक समय के लिए जो कोई नहीं देख पाए। हम दोनों बाहर निकले, उसके बाद 7-8 दिन बीत चुके थे। मैंने उसको एक दिन ऐसे कहा, मुझे तुम अभी यही काम कर रहे हो, तुम्हें तो स्टाफ रूम में ड्यूटी लगी थी तुम्हारी। उसने खैर मुझे कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि जाके अपनी एसोसिएशन से पूछी। तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है, मैं गई सीधा, मैंने एसोसिएशन के अध्यक्ष को पूछा कि आपने तो डिसीजन दिया था कि आप इसकी ड्यूटी यहाँ पे लगवाएंगे और आपने यहाँ क्यों नहीं हुई उसकी अभी तक ड्यूटी। उसका जो कोटेड वर्ड है वो मैं आपके सामने बताना चाहती थी, जिसका मेरा उद्देश्य भी था। उन्होंने सीधा मुझे ये कहा कि कौशल महिला है और हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर हैं अध्यापक, उसको परेशान करेंगे, इसलिए हमने ये सोचा कि रहने देते। मुझे बहुत गुस्सा आया, स्वाभाविक का गुस्सा आना। खैर मैंने बाद में मैंने उससे पूछा बुला के, मैंने कहा क्या रीज़न था, इन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि मेरे सामने ही ऑर्डिनेंस को उन्होंने साइन करे थे। तो उन्होंने मेरे तुरंत निकलते बाद बाकायदा मीटिंग की और ये कहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि जिसकी नौकरी झाड़ू की दी गई थी वो आज स्टाफ रूम में चाय पिलाए। अकॉर्डिंग रूल भी जिसकी अपग्रेडेशन होती है तो उसको मतलब पदोन्नति मिलती है, मतलब उसके अगर उसकी योग्यता उसके काबिल, हालांकि इसमें योग्यता का तो सवाल था ही नहीं, सवाल सिर्फ इतना था कि उसका बेटा ग्रेजुएशन करने जा रहा था उसी कॉलेज में, यानी कि मेरे कॉलेज में। वो माँ ये चाहती थी कि मेरा बेटा झाड़ू देते हुए मुझे ना देखे, उसको खराब ना लगे, इसलिए क्योंकि मैं 10वीं पास तो कर ही चुकी हूँ, मुझे कॉलेज को वैसे तो
प्रमोशन देना है, उसने प्रमोशन भी नहीं मांगा। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरी ड्यूटी यहाँ बदल के 2-3 साल के लिए यहाँ कर दी जाए। लेकिन उस सो कॉल्ड प्रोग्रेस में जिस साम्यवाद के राकेश मिश्र सर ने बात की है कि यहाँ पर ये भी एक प्रभाव रहा है, उस पर मैं कटाक्ष करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने उस पर चुप्पी साध के रखी। और बाद में मुझे ये समझ आया कि उन्होंने सीधा ये स्वीकार किया कि हम इसको नहीं स्वीकार करते, जो झाड़ू लगाता हूँ वो आज हम चाय कैसे पिला सकता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आपकी बात में जोड़ते हुए, कि हमारे यहाँ भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर रहा है वो वर्ग आधारित नहीं रहा। अगर मार्क्सवादियों ने, साम्यवादियों ने, यहाँ तक कि समाजवादियों ने, हमारे सामने लोहिया का पूरा एक आंदोलन एक वक्त पे रहा है, उसके भी उसको उठाकर हम देख लें तो हमारे यहाँ वर्ग की लड़ाई कभी नहीं रही। हमारे यहाँ जो लड़ाई रही है, जो जातिगत तो जो ढांचा है वो जाति आधारित रहा, और उस जातिगत आधार पे भी वर्ग और जाति दोनों का जो 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 घालमेल और मिश्रण और सामंजस्य जो है वो गाँव देहात में दिखाई देता है। जब गाँव में अगर आप चले जाते हैं, एक बस्ती अगर वाल्मीकि या दलितों की है, दूसरी बस्ती अगर ऊंची जातियों वालों की है, तो जब जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो उनकी मदद करते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो उनकी मदद करते हैं। वहाँ वर्ग संघर्ष कहीं नहीं आता। बहुत सारे मुद्दों पे जातीय संघर्ष वहाँ दिखाई देता है, मैं उसको नकार नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ जो मार्क्स की एक विचारधारा रही है, मुझे लगता है कि ये एक खासकर कुछ लोगों का जो प्रभुत्व रहा है एक एक विचारधारा के माध्यम से, जो पूरे समाज को एक एक तरह से आवरण जो बनाया, जो भारतीय संस्कृति की जो एक धरोहर के रूप में थी, जो एक सामंजस्य करने वाली जो स्थितियाँ थी, जो लेन देन की जो स्थितियाँ थी, जो लोक व्यवहार में थी, शास्त्रीय में भले ही जो भी लिखा गया हो वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी या कर्म आधारित थी, लेकिन जो गाँव के हाथ में जो लोग मिलजुल के जो रहते थे, उसने उस शास्त्रीय परंपरा को नकारा है। मार्क्सवादी विचारधारा की खुद की लेखिका रोमिला थप्पड़ खुद कहती है कि भारतीय जो समाज है वो कभी इसकी पूरी तरह से शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नहीं चला। ऋग्वेदिक समाज पर लिखती हैं वो खुद, जबकि वो अपने आप को मतलब सोकाल मार्क्सवादी तो है ही, उन्होंने साफ साफ ये माना है कि कभी भी शास्त्रीय आधारित समाज कभी नहीं चला, उसका प्रभाव जरूर रहा है। ठीक उसी तरह मार्क्सवाद का भी एक हिंसे पर प्रभाव जरूर रहा है, जिसने कहीं ना कहीं उसको सुधार के रूप में एक रखा। उसको मैं सुधार इसलिए बोल रही हूँ, मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे यहाँ सुधार की परंपरा रही, जबकि सुधार की परंपरा के साथ साथ एक अस्मिता का संघर्ष भी यहाँ साथ साथ जुड़ा। यही वजह थी कि जो हमारे साथ जो साझा संघर्ष जो एक तरह से केरला में कुछ और डिफरेंस क्लासेस के रूप में था, कर्नाटका में कुछ था, पंजाब में आदि धर्म मूवमेंट था, यूपी में अछूतानंद का आंदोलन था, और जितनी भी हमारी आदिवासी जातियों थी, जयपाल सिंह का मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ का जो जो समाज को देखने का जो नजरिया है, हम शायद कहीं ना कहीं समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद तीनों को देख के उस भारतीय संस्कृति के जो जो डायलेक्ट हैं, या फिर उस भारतीय संस्कृति में बोलियों में लोक परंपराओं में जो जीवंत समाज है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज देते हैं। हम सिर्फ दो तरह के संघर्ष में मतलब हमारी बातों का विषय रहता है, वो एक समाजवाद और दूसरा शास्त्रीय परंपरा, जिसकी हम आलोचना भी करते हैं और समालोचना भी करते हैं, मंडन भी करते हैं और खंडन भी करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा। इस बात को मैं थोड़ा संक्षेप में रखूँ, आपने उदारवाद की बात की, मार्क्सवाद की बात की, समाजवाद की बात की, ये खास परिस्थिति पॉलिटिकल परिस्थितियों में यूरोप के अंदर पैदा हुई स्थितियाँ हैं। भारत के अंदर जो सुधार हुआ सुधारवादी, और मैं तो मुझे लगता है कि पूरे जो संत कवियों ने पूरा सुधार का आंदोलन चलाया, जाति पाति पूछे ले कोई हरि को बने चौधरी का हुई वगैरह वगैरह, इसी बात को अगर हम जाने अस्मिता के साथ, तो क्या इसने आके इन वादों ने हमारे इस प्रोसेस को डिसरप्ट नहीं किया? डिसरप्ट करने के कारण कई सारी भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं। एज अ पोलिटिकल साइंटिस्ट हाउ डू यू लुक एट? देखिए, सुधार की तो बात मैंने कही कि भक्ति आंदोलन भी सुधार का ही आंदोलन था 15वीं-16वीं शताब्दी में। वो सुधार की भारतीय दृष्टि थी। सुधार में मेटाफिजिकल जो फैक्टर था वो आधार था। ये हम लोग उसको सोशो इकोनॉमिक तरीके का सुधार ना माने, जो कि आमतौर से भ्रांति रहती है कि हरि को भजय सो हरि का होई, तो हरि को भजिए ना आप, तो फिर दूसरी फैक्टर्स गॉड हो ही जाते हैं, फिर वो भाव शुद्ध हो ही जाता है।
ये हमारे यहाँ सुधार। और जिस सुधारवाद की हम बात करते हैं वो लिबरल या कम्युनिस्ट जो भी पॉइंट है कि सोशो इकोनॉमिक तरीके से, जैसे कि आपने अस्मिता का प्रश्न उठाया, ये प्रश्न कब से आया? अभी 30-40 साल से। आइडेंटिटी शब्द आया कहाँ से है? पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स का शब्द है, यूरोप में, अमेरिका में विशेष परिस्थितियों में पैदा हुआ, आपने उसको हमारे यहाँ लागू कर दिया। हमारे यहाँ वो प्रश्न है ही नहीं भारतीय दृष्टि में, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये आइडेंटिटी हमारे यहाँ बहुत बड़े स्केल पर देखी गई। मैं किस जाति का हूँ, उपजाति का हूँ, किस लिंग का हूँ, ये तो बहुत गौण विषय है। तो आप अपने को जज लोअर स्टैंडर्ड से करना चाहते हैं कि हायर स्टैंडर्ड से करना चाहते हैं, ये बताइए। कि जो हिंदुस्तान, इसलिए मैंने सुधारवाद का जिक्र किया कि जो हिंदुस्तान में जो सुधारवाद चल रहा है वो उन क्षुद्र दृष्टिकोणों को कसौटी बना के चल रहा है, जहाँ पर मनुष्य की एक बड़ी भोगवादी, बड़ी एक सीमित और बड़ी एक जिसको कहते हैं कि सांसारिक व्याख्या की गई। हमारे यहाँ संसार है, लेकिन संसार ब्रह्म के संदर्भ में है। इसलिए जो सुधार, जो इसलिए हमारी जो दृष्टि है वो ये सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल नहीं है, हमारी दृष्टि मेटाफिजिकल है। और जब उस दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय समाज में हमेशा से जो समरसता रही, जिसकी कि हम चर्चा करते हैं, जो सामंजस्य रहा, जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रहा, विभाजन होते हुए भी जो सामंजस्य रहा, वो ये मेटाफिजिकल बेसिस उसका था। इसको वापस लाना, और इसको वापस लाने का काम आसान तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों विचारधाराओं ने हमारी दृष्टि को हमारी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसलिए हर समय वही पर्सपेक्टिव हम अपनाते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ये आवश्यक है। मैं बिल्कुल आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, पूरी तरह से नहीं। वो इसलिए कि अगर हम यूरोप से आया हुआ शब्द अस्मिता मानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस आंदोलन को भी नकार रहे होते हैं जो संतों का आंदोलन रहा, जो 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण रहा, ज्योतिबा फूले का, सावित्री बाई फूले का आंदोलन। मैं यह कहना चाहती हूँ, जब दलित पैंथर मूवमेंट जब भारत में चला 1956 और 58, आप दिनांक ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मैं तो संस्कृत की विद्यार्थी हूँ, दलित पैंथर जब चल रहा था और दूसरी तरफ मार्टिन लूथर किंग का जो ब्लैक मूवमेंट था वो चल रहा था, तो उन्होंने, दलित पैंथर ने बाकायदा इसको नकारा कि क्योंकि मार्टिन लूथर किंग का जो जो सुधार और यह जो जो एक तरह से औद्योगिक क्रांति का जो एक जो पाने का एक जो तरीका था, या फिर मतलब वो औद्योगिक समानता का जो एक पाने के लिए आंदोलन था, उसमें अगर हिंसा भी करनी पड़े, जो साम्यवाद की या फिर एक तरह से मार्क्सवाद की एक वो रही है कि अगर उसको हिंसा की भी जरूरत पड़े तो उसको अपना लें। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दलित अस्मिता ने, दलित पैंथर ने इसको नकारा था, मार्टिन लूथर किंग को पूरे आंदोलन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि हमें हिंसा स्वीकार नहीं। हमने अपने आंदोलन, हमने अपने अपने ही भारतीय संस्कृति में रहते हुए, अपनी ही भारतीय संस्कृति को आलोचना समालोचना करते हुए हम हिंसा नहीं करना चाहते। हमें अपने अस्मिता का स्वीकार है, लेकिन वो अस्मिता वो आज़ादी, वो समानता, वो अधिकार इस आधार पर नहीं होंगे कि हम हिंसा पर उतरे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसी दलित पैंथर के आंदोलन से उपजे दलित अस्मिता के आंदोलन का सवाल को लिया, तो ये मूवमेंट वहाँ से था, ना कि आप इसको ये कहें कि यूरोप में क्योंकि वर्ग संघर्ष चल रहा था या औद्योगिक क्रांति के माध्यम से हिंसा भी था, लेकिन उन्होंने इसको नकारा। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की राइटिंग्स में या उनके भाषणों में, उनके कर्म में कहीं भी हमें एक भी शब्द ऐसा नहीं दिखाई देता, उनका साथ साथ संघर्ष इनके साथ दिखाई देता है। जब हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो पूरी तरह से अम्बेडकरवाद उसको खारिज करते हैं, क्योंकि उनके साथ डिफरेंसेज हमारे उतने ही हैं जितने भारतीय संस्कृति का अहम ब्रह्मस्मि या त्वम ब्रह्मस्मि है। दलित अस्मिता ने हमेशा इसी को अपनाया है कि वो भी वही है जो दूसरे वाला दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है समाज को देखने का नजरिया, और जैसे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारकी को, फूले सावित्री बाई अम्बेडकर की विचारकी को देखेंगे, तो समाज भी उसको उसी नजरिए से देखे, ना कि यूरोप से आयात किए हुए अस्मिता के संघर्ष को खारिज करें।
मुझे अच्छा लग रहा है टेलीविजन डिबेट जैसा थोड़ा सा हुआ। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, इसमें इंटरवेंशन जरूर करें आप, क्योंकि इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि अस्मिता का सवाल, वर्ग संघर्ष का सवाल, जातीय संघर्ष का सवाल, बहस बड़ी बहस है, बहुत मीनिंगफुल बहस है, आज इसका उत्तर तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर मिश्रा आप क्या कहेंगे इसके बारे में? शायद कुछ मैं अप्रिय बात कहना चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा करें। थोड़ा सा 19वीं शताब्दी के इतिहास को फिर से पढ़ने की जरूरत है। ब्रह्म समाज वगैरह जो धर्म सुधार हुए उनकी मूल प्रेरणा क्या थी आप लोग शायद जानते होंगे, क्रिश्चियनिटी थी, और एक ब्रह्म समाज ही तो अंततः ईसाई बन भी गए, केशव चंद्र सेन, जिन महानुभावों का उल्लेख आपने किया है, उनकी भी मूल प्रेरणा लिबरल एजुकेशन यानी कॉलोनियल एजुकेशन से आई थी। और जो तिलक ने विरोध किया वो इसीलिए किया, जो तिलक ने कहा, उन्होंने कहा कि हम समाज सुधार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाला समाज सुधार है कि वहां देखते हैं और उसकी उस दृष्टि जब वहां से हटती है तब अपना समाज देखते हो तो आपको बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। इसी तरह से जब आप भारत से भारतीय दृष्टि से आप यूरोप को देखेंगे तो आपको भी अपने बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। इसलिए दृष्टि का प्रश्न है कि आप इस समाज को देखने की, अपनी व्यवस्था को देखने की दृष्टि क्या है और वो दृष्टि का स्रोत क्या है। तो इसलिए अगर वो भारतीय दृष्टि है तो जरूर वो सुधार ऑर्गेनिक होगा, वो सुधार हमको मजबूत करेगा। और अगर वो दृष्टि भारतीय नहीं है तो जो शब्द तिलक ने प्रयोग किया वो आपको डीनेशनलाइज करेगा, अराष्ट्रीय बनाएगा। ये अंतर हमें समझने की बहुत आवश्यकता है, आज के संदर्भ में तो बहुत ज्यादा ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, ये बहस तो लंबी बहस है, चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए, ये जीवंत समाज है, जीवंत समाज में विमर्श हमेशा चलता है। एक और छोटा सा सवाल जो मैं अंत में, जैसे पहले 3-3 मिनट दिए थे, अब लास्ट में 1 मिनट, अर्जुन मुंडा जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया और वो फिर डॉक्टर मिश्रा जी ने भी उसकी बात की, उपभोक्ताभाव प्रतियोगितावाद की, और इन्होंने जो सवाल उठाया था कि सामाजिक दृष्टि से बहुत सक्षम और मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, हैप्पीनेस क्वोशेंट उनका बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉस्पेरिटी क्वोशेंट कम है, और अभी ये जो दिल मांगे मोर की जो व्यवस्था है इसके अंदर ये जो हैप्पीनेस की बात है, संतोष की बात है, आत्मसंतोष की बात है, खुशी की बात है, जिसको अभी भाषण देने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए IIM से, हार्वर्ड से मिलाएं तो 1-2 लाख रुपया रोज लेगा, कि हैप्पीनेस क्वोशेंट क्या होता है मुंडा जी, ये कैसे लाया जाएगा? मैं बहुत मुश्किल बात कह रहा हूँ, अगर 1 मिनट के अंदर इस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का तालमेल कैसे बने? मुझे पूछ रहा हूँ, देखिए मैं एकेडमिक डिस्कशन में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, सीधी सी बात दो उदाहरण में देते हुए कि जब भी समाज की बात होती है वो धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव उसमें आ जाता है। समभाव से हम आज सोच सके वही समाज है, सबको हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए। ये एक धारणा कैसे भारत में उभरे इसका एक सलूशन है, और इकोनॉमी को हम ठीक से ज़्यादा लोग समझ पाए, क्योंकि हम बात तो देश की कर रहे हैं पर काम दुनिया की कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमें बाजार बना रही है और हमें मजबूर कर रही है हर चीज को झेलने के लिए। जो हमारा आत्मसंतोषी विचारधारा है उसको समाप्त कर रही है, और जिसके कारण हम दोनों तरफ से धर्म के दृष्टि से भी और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से भी थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। ये इन चीजों को एड्रेस करने के लिए हमारे पास फॉल्स पॉलिसी होना, क्योंकि जीवन है
तो पेट है, उदर है, उसे भरना है, और उसके लिए बगैर इथिक्स का, बगैर वैचारिक दृष्टि से मजबूत हुए हम अगर सोचेंगे तो हम भंवर जाल में फंसते ही चले जाएंगे। और इसलिए हमारी पुरातन चीजों को, मैं एक उदाहरण दूसरी बात कर रही हूँ, एक उदाहरण है, देखिए महाभारत को आदि पर्व से अनंत तक पढ़ेंगे तो आपको एक चीज महसूस होगा कि वहां, और अगर आज भी देखें तो दुनिया में रेशियल तरीके से बहुत स्टडी हुए हैं, जेनेटिक रिसर्च हुए हैं, भारत में जो शास्त्रीय दृष्टि से हम देखते हैं तो बहुत बहुत सारे जगह में मिक्स है। क्योंकि अगर आप रेशियल तरीके से देखेंगे, एक बीज जो होगा उसी से उसी का फल आएगा, दूसरा फल नहीं आएगा। लेकिन हिंदुस्तान में आप अगर देखेंगे तो मिश्रित फल बहुत सारे हैं, और वो शास्त्र में लिखे हुए, इसलिए उस बात को ध्यान ज्यादा रखना चाहिए कि जजाति का जो जिस जजाति राजा ने जिसको शासन सौंपा वो पुत्र किसका था, और वहां से अगर हम प्रारंभ करें तो वो एक तरीके से सबको एक सूत्र में बांधने का मजबूत आधार भी है, उसे कई जगह में इस तरीके से मिक्स हुए। अब कहने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन शास्त्र में जो हम आज के दिन में वैज्ञानिक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं से फल आया था। इसलिए शास्त्र में कहा गया 3 नारी 13 पति फिर भी तीनों सती, फिर भी तीनों सती, क्योंकि शास्त्र को हमने उसी तरीके से बनाया है कि हम सबको समावेशी तरीके से देख सके, सबको समावेशी तरीके से देख सके। हमारे पूर्वजों ने इन सारे चीजों में बहुत अध्ययन किया जिसने लिखा, तो ये जो दृष्टि है उसको भूल करके हम शासन पद्धति के बाद के दिनों को इतना आडंबरी बना करके इस तरीके से उलझन पैदा कर दिया कि जो जिसको नहीं माना एक नया रास्ता अपनाए, और नए नए तरीके से हर युग में, हर समय में, हर काल में अपने अपने तरीके से पंथ को अपने ही अंदर, अपने ही घर के अंदर विभाजन करके पंथ को अपने दृष्टि से प्रस्तुत किया, और जो जिसको माना उसको माना कि यही सबसे बढ़िया, यही सबसे अच्छा है, और इसी को हमें मानना चाहिए, और दूसरा जो मान रहा है, हमारे ही भाई अगर दूसरा मान रहा है वो गलत जी। अच्छा, इसी सवाल तो हमारे शास्त्र के अनुसार तो उपजे हुए चीजों को संगठित करके देखना चाहिए समग्र दृष्टि से। अंत में कहूँगा कौशल जी से, ये जो भंवर जाल कहा, ये कैसे, मतलब खुशी, संतोष और समृद्धि, इसके बीच के भंवर जाल का रास्ता क्या है? एक मिनट, देखिए आजकल तो तलाश प्लेजर की है, हैप्पीनेस की नहीं, ये समस्या है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, सुख की तलाश है, आनंद की नहीं। आनंद का स्रोत तो फिर धर्म होता है, अगर धर्म मूलक सभ्यता होगी तभी आनंद मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस क्या कोई डिक्लेयर कर दे कभी हैप्पीनेस मिलने वाली नहीं है ना? यूनाइटेड नेशंस में बैठे लोग शायद हैप्पीनेस का आधार भी नहीं जानते हैं, शब्द तो जानते हैं लेकिन उसका आधार नहीं जानते। जो आत्ममूलक सभ्यता होती है आनंद उसका लक्ष्य होता है, जो भोग मूलक सभ्यता होती है उसका लक्ष्य प्लेजर होता है, सुख होता है। धन्यवाद। आप एज द लेडी ऑफ द हाउस यू शुड हैव द लास्ट वर्ड, तो इस भंवर जाल से कैसे निकले? मैं दो लाइन से शुरू करना चाहूंगी जो मैंने अभी लिखी, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते बह गए। जब तक हम इन अस्मिताओं को, वो चाहे भाषागत हो, जातिगत हो, क्षेत्रगत हो या हमारी बोलियागत हो, जब तक हम सारी की सारी अस्मिताओं को इकट्ठा होके एक समान नजरिए से नहीं देखेंगे, उनके सवालों को अपने सवालों में, क्योंकि वो भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है, उसका भी उतना ही योगदान रहा है,
जितना योगदान किसी भी सोसाइटी को एक राष्ट्र के निर्माण में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो रहेगी। जब तक इन अस्मिताओं के सवाल को हम एक साझा मंच लेके विमर्श तक नहीं लेके आएंगे, तब मुझे लगता है कि सुखी और आनंद उनकी अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। एक शिविर में मरने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है और उसके घर वालों को पैसे दे के सुख मिल जाता है तो ये इंसानियत नहीं है। आनंद उसका तब होगा जब हम शिविर में मरने वाले लोगों का भी उतनी ही अस्मिता का ख्याल रखें, उसके सोल्यूशन को भी उतनी ही शिद्दत से मुद्दों पर लेके आए, मंचों पर लेके आए, ताकि हम सार्वभौम जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी उन्हीं अंतिम शब्दों में मैं ये कहूँगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये तभी पूरा होगा जब हम सारी अस्मिताओं को एक मंच पर लाकर इकट्ठा करेंगे।